से बातें तो हो गई हैं, अब करेंगे ज़ैनब से बातें। वो तो सिर्फ एक बच्चा था। दीदी साहब ने मुल्क के लिए इतना कुछ किया, मगर अब वो चले गए हैं। ये क्या हो गया? कायद? दीदी अंकल, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये तुम्हारा ख्वाब है और मैं तुम्हारे ख्वाब का हिस्सा हूँ। क्या हुआ ज़ैनब, परेशान हो? दीदी अंकल, ऐसे क्यों है कि मैं पेट भर के खाना खा सकती हूँ और वो बच्चा? चलो आओ कहीं बैठ के बात करते हैं। ज़ैनब, मुझे पता है कि ये सब तुम्हारे लिए देखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मेरे लिए भी हुआ करता था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अल्लाह की मखलूक का ख्याल हमें खुद रखना है, तो हमने लोगों के लिए एम्बुलेंसेस, क्लिनिक्स और स्कूल्स बनाए। लेकिन ईदी अंकल, मैं अकेली क्या कर सकती हूँ? मैं भी तो पहले अकेला ही था, मगर जब मैंने लोगों की मदद शुरू की तो मेरे साथ और लोग भी खड़े होने लगे। ज़ैनब, कभी बुरा ना महसूस करो कि तुम पेट भर के सोती हो, बल्कि अल्लाह का शुक्र करो और जितना भी तुम गरीबों की मदद कर सकती हो करो। खोखले अल्फाज और मीठी बातें अल्लाह की नजरों में कोई माने नहीं रखते। हमें अपने अमल से अल्लाह को अपना ईमान दिखाना है। मगर कैसे? ये फैसला तुम्हें खुद करना होगा, पहला कदम उठाकर। हेलो, मेरा नाम ज़ैनब है। आप आइसक्रीम खाएंगे? मेरे साथ आप स्टोरी पढ़ेंगे?